हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे काफ़ी बच्चों के डाउट्स हैं कि मैम टॉप एमबीए कॉलेज, अगर हम बात करें एमबीए के कॉलेज गोरखपुर में कौन कौन से हैं। अगर आपका डीडीयू में एडमिशन नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं अच्छे कॉलेजेस जहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप फाइव, अगर हम बात करें यहाँ पर टॉप फाइव एमबीए, ठीक है, कॉलेज इन गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर में कौन से ऐसे फाइव कॉलेजेस हैं एमबीए के लिए बेस्ट हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे बेस्ट कॉलेज है अगर हम यहाँ बात करें तो इट इज़ अ ट्रिपल एम। ठीक है, ट्रिपल एम जो कि मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर हम यहाँ बात करें तो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि ये सबसे पहले नंबर पे अगर हम एमबीए कॉलेज की बात करें आपके गोरखपुर में। इसकी फ़ीस भी है काफ़ी कम है, यहाँ स्कॉलरशिप वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। अगर हम बात करें तो टोटली अगर हम मान के चलें एमबीए के जो फ्री स्ट्रक्चर, फ़ी स्ट्रक्चर जो होता है वो टोटल आई थिंक आपका 64,000 होता है। आई थिंक अगर हम दो साल का यहाँ पर मान के चलें तो 1,20,000, ठीक है, इतना मान के चलो यहाँ पर आपका ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इतना मतलब टोटल दो साल का, तो दो साल में आपकी जो फीस होती है वो 1,20,000 होती है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें, ये सबसे बेस्ट कॉलेज है ट्रिपल, अगर आप एमबीए करना चाहते हैं गोरखपुर से तो ये जो है सबसे बेस्ट है। यहाँ की जो फीस भी जो है अफोर्डेबल है, यहाँ पर जो कैंपस प्लेसमेंट अगर हम बात करें तो काफ़ी बेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो दिस इज़ द बेस्ट। ठीक है, दूसरे अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पर है डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी। ये भी आपका अगर हम सेकंड नंबर की बात करें गोरखपुर में तो इट इज़ द सेकंड, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये है सेकंड नंबर पे। बात करें यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर होता है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ का जो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें यहाँ पर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एमबीए का, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 47,100 फर्स्ट ईयर का मान के चलो, और सेकेंड ईयर में अगर हम बात करें तो 47,300 आपका सेकेंड ईयर। ठीक है, ये है अप्रॉक्स, आई थिंक अब बढ़ गया है 53,000 आई थिंक समथिंग हो गया है। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट ईयर की ये फीस होगी और सेकेंड ईयर की 53,000 भी समथिंग होगी। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हो, तो ये है आपकी दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें बेस्ट कॉलेज है जो कि KIPM, ठीक है, तीसरे नंबर पर अगर हम यहाँ पर बात करें ITM गीडा, ठीक है, तीसरे नंबर पे जो आपका बेस्ट कॉलेज है ITM गीडा, इसमें ऐसी यहाँ पर कुछ क्वालिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है प्लेसमेंट के थ्रू और अदर जो भी क्या होते हैं यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटीज़ होती हैं काफ़ी अच्छा होती है, प्लेसमेंट भी यहाँ पर अच्छा होता है। बाई फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो होता है 70,000, ठीक है, 70,000 पर ईयर यहाँ पर आपकी ये फीस लगती है पर ईयर मान के चलो, और दो साल का समझ लो यहाँ पर 1,40,000। ठीक है, तो ये आपकी फ़ीस होती है टोटल। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा है प्लेसमेंट वगैरह, अच्छा हो गया है एक दो साल से, तो ये भी जो आपके लिए बेस्ट है अगर आप करना चाहती हो। चौथा अगर हम बात करें बेस्ट कॉलेज है, दैट इज़ योर KIPM गीडा। ये भी काफ़ी बेस्ट है अगर हम बात करें KIPM गीडा। यहाँ पर अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की, अगर कंपेयर करें ITM से तो इसके कंपैरिजन में क्या है, ये भी KIPM बेस्ट है। यहाँ पर जो मैक्सिमम अगर हम बात करें, यहाँ पर जो सैलरी, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जो पैकेज होता है 3-4 लाख पैकेज होता है यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, 3-4 लाख पैकेज होता है। अगर हम बात करें यहाँ की जो फ़ीस होती है अगर आप KIPM एडमिशन लेते हो तो 69,700 पर ईयर की फ़ीस है। ठीक है, 69,700 यहाँ पर ईयर की फ़ीस की बात करें, और सेकेंड ईयर में भी आपका ये है। अभी इसमें आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह भी इंक्लूड होते हैं, जो भी आपकी फ़ीस होती है वो सारी की सारी चीज़ें, तो ये आपकी फ़र्स्ट ईयर की हो गई। सेकेंड ईयर में भी 69,700 होती है आपकी, तो KIPM गीडा इज़ ऑल्सो बेस्ट। ठीक है, पाँचवा अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, और सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ का जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी जैसे बेटर स्टडी है, जो भी यहाँ पर स्टडी है उसको लेकर काफ़ी सेकंड रैंकिंग पे अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये है सेकंड रैंकिंग पर। ठीक है, इन कंपैरिजन टू ITM।
बात करें यहाँ पर जो पांचवें नंबर पे है, ठीक है, दिस इज योर फिफ्थ आई थिंक, यस फिफ्थ, फिफ्थ वन इज BIT गीडा, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज BIT गीडा, ठीक है। यहाँ की अगर हम फीस बात करें तो फीस अप्रॉक्स जो है 70,000 है, 70,000 में प्लस रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी आप मान के चलो अप्रॉक्स। यहाँ पर ये एक न्यूली लॉन्च्ड हुआ है जो कि अभी ये नया है, तो बेसिकली ये फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करें, ठीक है, BIT गीना, ठीक है। तो ये आपके पांच बेस्ट कॉलेज हैं। अगर आपका DDU में एडमिशन नहीं हुआ तो आप ले सकते हो ITM गीडा में ले सकते हो। बात करें यहाँ पर आप KIPM में भी ले सकते हो, BIT में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भी। अब जो सबसे बेस्ट अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो KIPM इज़ बेस्ट इन कंपैरिजन टू अगर आप DDU और MMM को छोड़ के बात करो तो KIPM में आप एडमिशन ले सकते हो। सारी फैसिलिटी है यहाँ की, स्टडीज जो भी हैं बेटर स्टडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, पैकेज भी अच्छा खासा है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा है कि अगर आप MBA सिर्फ करना चाहते हो तो MBA आप यहाँ से कर लो। MBA करने के बाद एक साल का एक्सपीरियंस आप गोरखपुर से ले लो और एक साल के एक्सपीरियंस के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, बाहर आप अपना जहाँ भी जाकर अपना जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि आप MBA कर लो यहाँ से, MBA करने के बाद एक साल आप यहाँ पर जॉब कर लो, एक साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आप बाहर जाकर कहीं भी जहाँ आपका मन करे वहाँ जाकर आप ईज़िली जो है अच्छी खासी सैलरी भी आप क्या है जॉब कर सकते हो। तो ये आपके पांच कॉलेजेस थे जो कि बेस्ट कॉलेज हैं अगर आप गोरखपुर से करना चाहते हो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।